बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका उषा कौशिक। तो मैं आज आप सभी को ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे पाठ चार, और आज मैं आपको वर्ग तीन की हिंदी पढ़ाऊंगी। और वर्ग तीन में पाठ चार शब्द और वाक्य। तो आपको पाठ चार शब्द और वाक्य तो हम पढ़ाए थे कि वर्णों को जोड़ करके क्या बनता है, शब्द बनता है, और शब्दों को जोड़ करके क्या बनता है, वाक्य बनता है। जैसे हम पढ़ाए थे कमल, कमल, महल, जैसे वर्ण को यहाँ पर जोड़ते हैं ना, देखो क म ल। पिछले पाठ में हम शब्द ऐसे जोड़ जोड़ करके पढ़ाए थे। तो पिछले पाठ में हम वर्ण को जोड़ करके शब्द बनाना सीखे थे। तो वही है शब्द और वाक्य, और शब्द को जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा क्या, वाक्य। तो यही पे आपको शब्द और वाक्य बनना है। जैसे दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो शब्द बनते हैं, यहाँ पे लिखे हैं शब्द बनते हैं, प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है। जैसे खरगोश का तस्वीर बना हुआ है, इसको आप देख रहे हैं, और ये क्या है, बकरी। तो आप सब जो है वो इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। जैसे मैं तस्वीर के साथ आपके किताब में दिया हुआ है, इसको आप देख करके इसको समझेंगे, और आगे जो आपको कॉपी में ये सब लिखने वाला है तो कॉपी पेंसिल निकालेंगे और इसको आप लिखेंगे। शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, इस सबका वो क्या करना है, कॉपी में अपने लिखते जाना है ताकि आप एग्जाम में इसको लिख सके। तो इसको देखिए क्या है, पढ़िए इसको। यहाँ पर क्या चीज की तस्वीर है, खरगोश, और ये क्या है, बकरी। और शब्द आपको ऐसा शब्द बनाना है जो शब्द हमको अर्थ प्रदान करता हो। जो शब्द अर्थ नहीं देगा वो शब्द जो हो जाएगा वो निरर्थक हो जाएगा, वो आपका बेकार शब्द हो जाएगा। तो वर्ण को जोड़ेंगे और ऐसा शब्द बनाएंगे जो हमको सही सही शब्द दे सके, वही हो जाएगा आपका शब्द। और शब्द को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका, वाक्य। यहाँ पर वर्ण को लिखा गया खरगोश, खरगोश, अभी तब आपका बना क्या, खरगोश, ये शब्द बन गया आपका खरगोश। यहाँ लिखा है बकरी, बकरी क्या खाती है, घास खाती है, और खरगोश भी घास खाता है। तो और घास कैसे लिखेंगे, खाकर घा स घास, ये घा पर आकार देंगे, ये हो जाएगा आपका घा स घास। यानी कि वर्ण को जोड़ करके हम क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। वर्ण को जोड़ करके आपका जो है वो शब्द बनाते हैं, जो हम पिछले पाठ पाठ तीन में इसको हम पढ़े लिखे, और सारे वर्ण और स्वर मात्रा से हम शब्द बनाए थे। तो यहाँ हो जाएगा आपको, ये आपका शब्द बन गया। और आगे खरगोश और बकरी शब्द अनेक वर्णों के एक से बने हैं, इन शब्दों का एक अर्थ है। और जो खरगोश और बकरी है वो अनेक वर्णों के जोर से, योग का अर्थ होता है, योग का अर्थ होता है जोड़ना। जैसे हम जोड़ जोड़ करके लिखते हैं, क जोर म जोर ल कमल, म जोर ह जोर ल महल, तो वही है योग, इसी को कहते हैं जोर। वर्णों को जोड़ करके सा जो वर्ण को जोड़ेंगे और वो शब्द बनेगा, वो शब्द सही अर्थ देगा, वही हो जाएगा आपका शब्द। और देखिए शब्द के भेद, शब्द के दो भेद होते हैं, कौन से, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो जो सार्थक शब्द होते हैं उसका अर्थ निकलता है, और जो निरर्थक शब्द होते हैं उसका अर्थ नहीं निकलता है। सार्थक शब्द हो गया महल, खरगोश, बकरी, झंडा, पंखा, किताब, कॉपी। और निरर्थक शब्द हो गया लमा, टमल, डमल, मान ये जो है जो निरर्थक शब्द हो गया आपका कोई अर्थ नहीं दे रहा। और जो सार्थक शब्द हो, महल, महल का अर्थ होता है घर, बकरी, बकरी घास खाती है, खरगोश घर, पुस्तक से आप लोग पढ़ते हैं तो ये अर्थ दे रहा है, इसलिए हो जाएगा आपका सार्थक शब्द। जो अर्थ देता है वो हो जाता है सार्थक शब्द, और जो अर्थ नहीं, तो निरर्थक यानी कि बेकार, और सार्थक मतलब होता है सही, इसका अर्थ होता है सही, और निरर्थक अर्थ होता है बेकार, जो कोई अर्थ नहीं देता है, और सार्थक जो अर्थ देता है। किसी से आपको समझ आना है सार्थक और निरर्थक। शब्द के दो भेद होते हैं, शब्द वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, और जो शब्द सही अर्थ देते वो हो जाता है सार्थक शब्द, और जो शब्द कोई अर्थ नहीं देते उसको हो जाता है निरर्थक शब्द, सार्थक और निरर्थक हो गया। और आपको
दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। आपको बताया दो या दो वर्ण, दो वर्ण होगा, तीन वर्ण होगा, चार से कमल, मुह, महल, पत्ता, खरगोश, इसमें कितना शब्द वाला वर्ण है, एक दो तीन चार गो वर्ण जुड़ा हुआ, तब आपका बन गया खरगोश। बकरी में तीन गो वर्ण लगा हुआ है। और देखिए सार्थक ही है वर्ण, सार्थक शब्द लिख सकते सात खपर सार्थक, इसमें तीन तीन वर्ण लगे उसने ये बन गया आपका ये शब्द। तो हो जाएगा दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। और याद रखिए सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रास्ता, पानी, आकाश, कमल, झंडा, मोहन, किताब, कॉपी, पेंसिल, श्याम पट, ये सब क्या है आपका सार्थक शब्द है। अब यहाँ आइए आप, ये हो गया आपका सार्थक, ये आपका है निरर्थक शब्द। मैं पहले बताई हूँ कि जो शब्द कोई अर्थ नहीं देता है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता, वो हो जाता है निरर्थक शब्द। जैसे जैसे जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वो हो जाता है निरर्थक शब्द। जैसे हो गया लव, मद, कभी, हरामा, लमेवा, तमेवा, जमेवा, ये सब जो है आपको कोई भी अर्थ नहीं दे रहा है, ये हो गया आपका निरर्थक शब्द। अब यहाँ पर लिखा है वाक्य, वो सार्थक शब्द के मेल से जो वाक्य बनते हैं यही बनता है वाक्य। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, सार्थक शब्दों के मेल से जो वाक्य बनते हैं, और प्रत्येक वाक्य का एक अर्थ होता है। जिस प्रकार शब्द का अर्थ होता है उसी तरह से वाक्य का अर्थ होता है, वो हो जाता है आपको वाक्य। जो सही अर्थ देते हैं वो हो जाता है आपको वाक्य। जैसे अनीता पढ़ रही है, पेट्रोल ट्रेन तेज दौड़ रहा है, आपकी शिक्षिका आपको पढ़ा रही है, आपके शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, आप विद्यालय आ रहे हैं, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, सीता किताब पढ़ रही है, ये सब क्या हो जाएगा आपका सार्थक शब्द हो गया। और निरर्थक शब्द हो जाता है जो शब्द कोई हमको निरर्थक वाक्य हो जाएगा, जो सार्थक जब शब्द ही नहीं रहेगा तो वो वाक्य नहीं बनेगा, वो वाक्य गलत हो जाएगा। इसलिए वाक्य बनाते समय हमें भाषा पे ध्यान होगा कि कैसे कैसे हम दोनों जो जो शब्द आ रहे हैं सबको अच्छे से मेल लगाए, तभी जा करके आपका वाक्य बनेगा। और यहाँ पर याद रखना है दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, दो या दो से अधिक। जिस प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से सार्थक शब्द बनते, उसी तरह से हो गया दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। समूह यानी कि सब बहुत सारे शब्दों को एक जगह करते हैं, शुरू करते हैं समूह। जैसे सीता क्या है, अनिता किताब पढ़ रही है, मोहन विद्यालय जा रहा है, हो गया, गीता किताब पढ़ रही है, गीता पुस्तक हो गया आपका क्या हो गया, ये सब हो गया सार्थक वाक्य। या से समूह कैसे हो गया, गीता पुस्तक पढ़ गीता पुस्तक पढ़ रही है, ये हो जाएगा आपका क्या हो गया सार्थक शब्द। मोहन विद्यालय था, मोहन विद्यालय जा रहा, ये सब जो हो गया क्या हो गया समूह हो गया। एक से ज्यादा अगर सबको मिलाते तो बन जाता है आपका क्या समूह। यहाँ हो गया जिस शब्द समूह का कोई अर्थ नहीं निकलता उस वाक्य उसे वाक्य नहीं कहा जा सकता है। जो शब्द समूह जो है वो अर्थ नहीं देता है उसे हम वाक्य नहीं कहेंगे। जैसे रहा है बच्चा रो, रहा है कुत्ता भौं, रही है गाय बोल, ये सब आपको कोई इस वाक्य समूह का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, ये गलत हो रहा है, इसलिए ये हो गया वाक्य, ये आपका वाक्य नहीं बना। तो वाक्य को बनाते समय आपको ध्यान देना है कि जो हम जो बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो चीजें दूसरों को समझ में आनी चाहिए।
और दूसरा आदमी उसे समझे तभी वो आपका सार्थक शब्द होगा या वाक्य होगा। अगर कोई व्यक्ति उसको समझ नहीं रहा है तो न वो आपका सार्थक शब्द नहीं बनेगा और न ही वो आपका सही वाक्य बन सकता। इसलिए आपको वाक्य बनाते समय ध्यान देना है कि आप जो वाक्य बना रहे हैं या फिर आप जो अपने मुंह से बोल रहे हैं उस चीजों का अर्थ निकले। तो आप समझ गए यहाँ पे इन दोनों वाक्य में शब्द को सही जगह पर रखना नहीं रखा गया। ये जो वाक्य आपका बना है इसको शब्दों को सही जगह पे नहीं रखा गया और इसको सुधारने की बात होगी तो आप सुधार सके तब ये सही वाक्य। बच्चा रो रहा है अगर लिखेंगे तब ये आपका सही वाक्य हो जाएगा। तो इन्हीं के साथ मैं अपनी कक्षा को समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे और अच्छे से रहेंगे।